सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। फर्स्ट पैकेज को लेकर के हम सब लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं और हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। अभी कितने लोग हैं जो अपने इस फर्स्ट पैकेज को जो है परचेज कर पाए हैं, कितने लोग होंगे? बहुत ही कम। अभी जब हमारा पेमेंट गेटवे स्टार्ट हुआ था तो मुश्किल से एक हफ्ते सही तरीके से चला, और उस एक हफ्ते के बाद ये थोड़ी बहुत जो है प्रॉब्लम यहां पर आनी शुरू हो गई थी। सो यहां पे ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने अपना फर्स्ट पैकेज परचेज कर लिया होगा? बहुत ही कम। अब यहां पे सब लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज को परचेज करने के लिए लोगों ने इधर उधर से जो है इंतजाम करके अपने पास रख लिया है। इंटरनेशनल कार्ड ना होने की वजह से लोगों ने एक दूसरे के पास भी जो है कुछ पैसे हो सकता है सेंड भी कर दिए हो कि सर जैसे ही पैकेज ये स्टार्ट हो जाए तो आप हमारा पैकेज परचेज करवा देना। तो ऐसे बहुत सारे काम लोगों ने जो है करके रखे हुए हैं। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस को एक करियर के रूप में लाने के लिए, क्योंकि सभी लोग, जितने भी लोग आज ऑन पैसिव के अंदर हैं, सभी लोग ऑन पैसिव के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं और इस पे अपना भविष्य पूरी तरीके से देख रहे हैं। इसीलिए आज आंख बंद करके हम सब लोग इस ऑन पैसिव के अंदर काम कर रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इधर उधर से कर्जा लेकर के भी जो है अपने फर्स्ट पैकेज की तैयारी कर ली है, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा समय मिल गया है लोगों के पास। अब तो इतने ज्यादा लोगों के पास व्यवस्था हो चुकी है कि वो जैसे ही ये हमारा पेमेंट गेटवे स्टार्ट हो जाएगा प्रोडक्ट परचेज करने का, तो तुरंत ही अपना प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। इतनी ज्यादा जल्दबाजी क्यों है? सबसे बड़ा सवाल ये आता है इतनी ज्यादा जल्दबाजी क्यों है? फर्स्ट पैकेज को लेकर के लोग इतने ज्यादा उत्सुक क्यों है, एक्साइटेड क्यों है? इसके पीछे एक सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये रीजन ये है कि अगर हमने पैकेज बाय नहीं किया पहले, फर्स्ट पैकेज बाय नहीं किया, तो पता नहीं हम आगे बिजनेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पता नहीं हमारा जो ट्रैफिक आने वाला है वो हमें मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोगों को और भी ज्यादा थोड़ा बहुत परेशान कर देती है वो है कि फर्स्ट राउंड का जो ट्रैफिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये सबसे ज्यादा लोगों को परेशान कर देती है कि अगर फर्स्ट राउंड का ट्रैफिक अगर दो चार लोग भी अगर एज ए कस्टमर के रूप में मिल जाते हैं तो ये आगे आने वाले भविष्य में किस तरीके से फायदा दे सकते हैं ये किसी को भी नहीं पता। सो यहां पे फर्स्ट पैकेज को लेकर इतने ज्यादा लोग एक्साइटेड हैं, मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। अपने बहुत सारे हमारे ऐसे आसपास लोग और भी हैं जिन्होंने अभी तक पैकेज नहीं खरीदे हैं और वो मुझसे लगातार काफी लोग तो मेरे घर पे भी आ जाते हैं और घर पे आने के बाद बातचीत होती है तो उनको पूरी तरीके से फिर सेटिस्फाई किया जाता है। सो यहां पे बहुत सारी चीजें हैं। खास तौर से अगर हम ट्रैफिक को लेकर के बात करें तो यहां पे बहुत सारे लोग आज ट्रैफिक का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा एक चीज और भी आती है, इनकम का क्या होगा? क्योंकि ये बात हम सबको अच्छे से पता है कि जब तक हम अपना फर्स्ट पैकेज बाय नहीं करेंगे तब तक हमारी कोई भी इनकम नहीं आएगी। फर्स्ट पैकेज छोड़ो या जब तक हम कोई भी पेड प्रोडक्ट बाय नहीं करेंगे तब तक हमारी कोई भी इनकम नहीं आएगी। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है फर्स्ट पैकेज को परचेज करने का। और दूसरी बात, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम हमें अपने पॉकेट से परचेज करना है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है फर्स्ट पैकेज को परचेज करने का। क्योंकि इसके बाद अगर कोई दूसरा भी पैकेज आता भी है तो पता नहीं वो कितने का होगा कितने का नहीं होगा, लेकिन पहला पैकेज जो होगा वो काफी हद तक सब लोग अपना इंतजाम कर लेंगे। सो यहां पे फर्स्ट पैकेज हमें पहली बार ही अपने पॉकेट से इन्वेस्ट करना है, एक ही बार हमें अपने पॉकेट से खरीदना है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और इनकम का सबसे बड़ा रीजन तो इनकम का है, क्योंकि यहां पे जब तक हम अपना पैकेज बाय नहीं करेंगे तब तक हमारी जो इनकम हमारे वॉलेट में अगर नजर आ रही है या आगे आने वाले समय के अंदर जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर आएंगे वहां से जब हमारे लिए इनकम नजर आएगी तो हम उस इनकम को नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि अभी तक हमने अपना जो पेड प्रोडक्ट है पैकेज है वो हमने अभी तक बाय नहीं किया है, वो आपकी उसी के अंदर होल्ड रहेगी। यहां पे सर ने पहले कभी बताया था, आप लोगों को पहले से पता होगा कि आप अपना जब पैकेज बाय करेंगे
तब आप अपने सारी की सारी इनकम को आप निकाल सकते हैं। लेकिन जब तक हम पैकेज बाय नहीं करेंगे और आपके डाउन में आपके पोटेंशियल कस्टमर के पैनल के अंदर बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं, बिजनेस चल रहा है, लेकिन आप अपने अपने वॉलेट में से अपनी इनकम को नहीं निकाल पाएंगे, वो आपकी होल्ड रहेगी और ना ही आप उसको विड्रॉ कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपना पैकेज बाय नहीं कर लेते, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। और इसलिए आज सभी लोग आज पूरी तरीके से तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि अब तो काफी ज्यादा हद तक मुझे लग रहा है कि बहुत सारा समय हम सब लोगों को मिल गया है। एक हफ्ते के बाद अगर हम देखें तो लगभग 7 से 8 दिन का समय हो चुका है और 7 से 8 दिन के अंदर अंदर लोगों ने अपने अपने इंतजाम कर लिए हैं। सो इस बिजनेस को लेकर के इतना ज्यादा जो एक विश्वास हम लोगों के मन में जो बढ़ा है ना, ये वास्तव में एक बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि यही एक रास्ता लोगों को नजर यहां पे आ रहा है कि यहां से ही हम सब लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है और हो रही है। सो यहां पे इनकम को लेकर के, ट्रैफिक को लेकर के जो मन में बहुत सारे चिंताएं, बहुत सारे सवाल आ रही हैं, इस बात को लेकर के आज लोगों ने अपने इंतजाम कर लिए हैं। फर्स्ट राउंड का ट्रैफिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको पहले पता है। कार्ड पेमेंट जब तक सॉल्व नहीं हो जाता, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें अपने पास ये जो आपने पेमेंट रखा हुआ है, आपने प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए जो पेमेंट आपने अपने पास रखा हुआ है, ये जब तक आप अपने पास संभाल के रखिए, क्योंकि जब तक हमारा ये कार्ड पेमेंट सुधर नहीं जाता है। ये देरी क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या रीजन है, किसी और वीडियोस के अंदर जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं। बिकॉज ये देरी होने के एक नहीं बल्कि कई कारण ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से ये देरी हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर यहां पे देरी हो रही है तो कोई ना कोई कारण जरूर होता है और कंपनी अपना खुद का कोई ना कोई काम जरूर कर रही होगी 100%। और इन सारे रीजंस की वजह से एक कंपनी को और भी चीज मिल जाती है कि यहां पर जब तक हम दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे तब तक हम कोई भी काम जो है सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। सो यहां पे कंपनी को एक और भी सीख मिल जाती है कि हमें कहीं ना कहीं हमें अपना खुद का ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि ओ वेरीफाई हमने खुद का बना लिया है और जल्द ही वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, हमें दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और अगर हम दूसरे को डिपेंड रहते हैं तो इसमें कंपनी का, कस्टमर्स का बहुत ज्यादा पैसा भी यहां पे खर्च हो जाता है। सो मेरे ख्याल से अब हम सब लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और जल्द से जल्द इस समस्या को जल्द से जल्द निपटा दिया जाएगा, सॉल्व कर दिया जाएगा और बहुत ही जल्दी हम सब लोगों के सामने जो पेमेंट गेटवे सिस्टम है वो बहुत ही जल्दी ओपन हो जाएगा। सो अब थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें, बिकॉज यहां पर हमारा जो एक फर्स्ट पैकेज है वो हम सब लोग बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बाय कर पाएंगे। और हाँ, बल्क सिस्टम में अगर ये सिस्टम अगर आ जाता है, बल्क पेमेंट करने के सिस्टम में अगर हमारा पैकेज बाय करने का सिस्टम आ जाता है तो ये और भी ज्यादा अच्छी बात होगी, किसी को कोई भी दिक्कत होने वाली आने वाली कोई बात नहीं रहेगी यहाँ पे। सो आई थिंक फर्स्ट पैकेज के लिए आप तैयार रहिए। आपने अगर अभी तक परचेज नहीं किया है तो आप अपने पास पेमेंट को रखिए, अगर आपने इंतजाम कर लिया है तो, और अगर आपने इंतजाम नहीं किया है तो आपके पास और भी समय मिल गया है, आप उसे थोड़ा सा इंतजाम कर लीजिए। ओके, सो गेट रेडी फॉर द फर्स्ट पैकेज और मे बी जीटेक्स ग्लोबल जो हमारा प्रोग्राम होने वाला है उसके बाद हो सकता है कि ये हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व जरूर होगी, ऐसा हमें विश्वास है अपने ऑन पैसे के ऊपर। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें, क्योंकि यहां पर जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको वो हमेशा लगातार आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वी आर सो नेट टू विन इट। जीत हमेशा उसी की होती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है।